दिल्ली से मेरठ तक चलने वाली रैपिड एक्स ट्रेन के पहले भाग की शुरुआत होने जा रही है। इस ट्रेन में यात्रियों को फ्लाइट जैसी सुविधा मिल सकेगी। देखने में ये ट्रेन दिल्ली में चलने वाली मेट्रो की तरह ही नजर आ रही है, लेकिन इसमें कई अन्य सुविधाएं भी दी गई हैं। साथ ही 17 किलोमीटर तक का सफर मात्र 20 से 50 रुपए तक भी किया जा सकता है। 21 अक्टूबर से यात्री इस ट्रेन में सफर कर सकते हैं। ये ट्रेन सुबह 6 से रात 11 बजे के बीच चलेगी। इसके किराए को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, यानी स्टैंडर्ड और प्रीमियम। स्टैंडर्ड क्लास का किराया 20 से 50 रुपए तक का होगा, वहीं प्रीमियम कोच का किराया 40 रुपए से 100 रुपए के बीच रखा गया है। यात्रियों को गाजियाबाद से दुहाई डिपो जाने के लिए 30 रुपए देने होंगे। इसी तरह गुलधार से दुहाई डिपो जाने के लिए भी यात्रियों को 30 रुपए ही देने होंगे। दुहाई से दुहाई डिपो तक का किराया 20 रुपए रखा गया है। ये किराया स्टैंडर्ड क्लास का है। किराए की प्रति किलोमीटर दर 2.94 रुपए है। इसी तरह से प्रीमियम क्लास के लिए अलग किराया रखा गया है। रैपिड एक्स ट्रेन में कुल 6 कोच हैं। बाद में इनकी संख्या 9 करने का भी प्रावधान रखा गया है। इनमें से 5 स्टैंडर्ड और 1 प्रीमियम कोच अभी फिलहाल मौजूद है। दिल्ली से मेरठ तक पूरे कॉरिडोर के निर्माण के बाद रैपिड एक्स कोच की संख्या बढ़ाकर 9 की जा सकती है। फिलहाल जो 6 कोच ट्रेन में दिए गए हैं, उनमें से 1 कोच महिलाओं के लिए भी सुरक्षित रखा गया है।